पंजाब से इधर आए भाई, अब उसका लड़का बोल रहा है अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मैं तेरे पापा बोल रहा हूँ, मैं आए नहीं अब तक बेटा। किसके फोन से कॉल कर रहे हो? अरे एक 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 बच्चा है तेरे ऐसा यार, वो भी बेटे से बढ़कर है, जो पूछ तो लिया कम से कम। यहाँ बैठे ठंड में टूट रहा हूँ मैं, सुबह का बिठा के छोड़ के चला गया। तुम समझदार हो यार, मैंने तुम जब मैं चला गया हूँ वहाँ से, तो तुम समझदार हो ना, कहीं खुद ही चले जाते कहीं। नहीं चाहिए बेटे। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैं आपका बेटा ही समान हूँ, ये मेरी तरफ से रख लो, ये रख लो। अरे शर्माओ मत, ये रख लो, लो पकड़ो इसको। एक ऐसा बच्चा भी है देखे तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे गाइस। और आज मैं ना एक प्रैंक करने जा रहा हूँ, अंकल और आंटी यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, काफी टाइम से बैठे थे। तो ये भाई आंटी है यहाँ पे, अब ये नहीं पता कि भाई क्या रिएक्शन आएगा इनका और कैसा आएगा। एक बार जाते प्रैंक करते, ठीक है, परेशान लग रहे मेरे को, थोड़ा थोड़ा हंसा देते इनको, ठीक है भाई। एक बार दिखा दे यार कैमरा, ये आंटी बैठी है, काफ़ी परेशान है भाई, और मैं थोड़ा सा इनको हंसाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं जाता हूँ पीछे से। अरे कौन है भाई, क्या हो गया यार तू? क्यों, कौन हो भैया? अरे मैं ही हूँ, मैं चोर हूँ, मैं बैग वैग लेने लेके जा रहा हूँ। अरे यार इसमें कुछ भी नहीं, क्या लेके जाओगे? क्या हो गया? क्या परेशान है आप? दे दो यार। नहीं मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं है, ले जा ले जा तू। क्या क्या परेशान हो? कुछ नहीं, इसमें हम बैठे हुए बहुत देर से, 7-8 घंटे हो गए। क्यों तंग मत कर, ठंड बहुत है। क्या हो गया बताओ, कोई बात है? अरे बेटा हम तुझे जानते नहीं है, क्या बताएं आप? जानते नहीं है, मैं मतलब देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ने के लिए आया था, वहाँ पे से देख रहा था मैं आपको, काफी टाइम से परेशान लग रहे हो, क्या बात, कोई बात है? बेटा बात क्या है कि क्या बताएं, हमारा बेटा हमें बिठा के गए हैं यहाँ पर। आपका बेटा बिठा के गया मतलब? हाँ। क्या बिठा के गया मतलब, क्या है? वो बोला कि मम्मी मम्मी पापा आप यहाँ बैठो, मैं 10 मिनट में ना कोई उसका कागज छूट गया है ना। अच्छा अच्छा, तो लेने गया है वो। अच्छा कहाँ से हो आप लोग? हम पंजाब से हैं सर। पंजाब से, नाम क्या हुआ आपका? मेरा पवन कुमार नाम है। और आपका? ये अच्छी है, आपकी वाइफ है? मम्मी उसकी, मेरे बेटे की वाइफ है मेरी। अच्छा आपकी वाइफ है। 8 घंटे से यहाँ पे बैठे हो? हाँ जी। लड़का आया नहीं है? नहीं आया, 10 मिनट के लिए बोला बेटा, आया नहीं है। बताओ हम ठंड में मर गए, हमको हम तो सब कुछ भाई। 4 बज गए और अभी तक आए नहीं हो? कब के आए हो? सुबह से आए हो? सुबह से आए बेटा, गाड़ी से उतरे थे, गाड़ी से उतरे थे वो यार बेटा, आके चलेगा करे यहाँ से, हिलना नहीं, हम यहाँ जानते नहीं किसी को। अच्छा अच्छा, रो मत रो मत भैया, हम बहुत। तो इस पे रोने वाली क्या बात है फिर? अभी तक नहीं आया हम किसी को, न पहचानते न जानते, आप आए हम वैसे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। सीधे साधे आदमी है बिल्कुल भी। रो मत रो मत रो मत, पानी पियोगे? पानी ले आऊं? रो मत रो मत, पानी ले आऊं? हमारे पास है पानी वानी, पानी रखा हुआ बेटा। बेटा बैठे हैं हम। अच्छा पंजाब से आपको यहाँ बुलाया? हाँ मेरा बेटा वहाँ सारे जब मेरा मकान बेच के आ गए, पापा मेरे को यहाँ पर जरूरत है पैसे की। कौन सा मकान बेच के आ गया मतलब आपका? पंजाब वाला? मैं जहाँ रहता था। अच्छा जहाँ आप रहते थे वो मकान वो आया था बीच में, अभी 2 दिन पहले तो हमने ये मम्मी से बात करी और रात को उन्होंने बेच दिया। मतलब 30 लाख का मकान है मेरा, 20 लाख का तो मंदे बाजार में, 10 लाख का बेच दिया मेरी इसकी मम्मी ने जाके उसके साथ। तो इन्होंने बेचा? ये प्यार करती ना हमारे बेटे को बिगाड़ने वाली भी यही है, 10 लाख 20 लाख रुपए कोई भी दे तो मुझे ये 10 लाख का बेच के आ गया। तो वो कहां पर बेचा? क्यों वो उसे चाहिए था पैसे? अच्छा, लड़के पैसे, को पैसे से शादीशुदा? हाँ, कह रहा शादीशुदा है, वो कह रहा मैं यहाँ मकान है मेरा अपना मैंने ले रखा है, कह रहे हैं यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर लोकेशन सही नहीं है, अकेले नहीं छोड़ूंगा आपको, ये करके करके हम यहाँ बैठा के चले गए। 8 घंटे हो गए बेटा बैठे हुए। अच्छा 8 घंटे से बैठे भाई। कुछ खाना वाना खाया आपने? कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया बेटा, जो हम घर से खा के निकले ना रात को, बस वही खाया और कुछ नहीं। भाई ये आ जाएगा, अभी कह रहा था आऊंगा, 10 मिनट के लिए बोल के गया था, कागज छूट गया। अब बताओ अब तक नहीं आया, 8 घंटे होने वाले। गांव से आपको यहाँ बुलाया और गांव की जो जमीन हम आए थे हमें लेने आया था स्टेशन से, स्टेशन से लेके हमें यहाँ ऑटो में यहाँ छोड़ दिया, पता नहीं। तो नंबर वंबर याद है उसका? नंबर याद है। तो मैं करूँ फोन एक बार? हाँ कर दो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। कर रहा कर रहा, मैं भी आपका बेटा समान हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं तो डर गया था, आप आए ना, अगर खाना खाना है तो बता दो। नहीं बेटा बुला देता हूँ, बुला दो बेटे को, बताओ भाई खाना हो जाएगा। नंबर बता दो, नंबर लिख लो, 9530 9530 ना। हाँ 1221 ठीक है।
बेटा बुला दो बेटे को, वही बहुत है मिलने, बस 8 घंटे हो गए बेटा इंतजार करते करते। हेलो, अरे कौन कौन? अबे तेरे पापा बोल रहा हूँ मैं, आए नहीं अब तक बेटा, ये तो एक भला इंसान है बेटा जो तो, अरे किसके फोन से कॉल कर रहे हो? अरे एक एक, एक बच्चा है तेरे ऐसा यार, वो भी बेटे से बढ़कर है, जो पूछ तो लिया कम से कम, यहाँ बैठे ठंड में ठुर रहा हूँ मैं, सुबह का बिठा के छोड़ के चला गया। तुम समझदार हो यार, मैंने तुम जब मैं चला गया हूँ वहाँ से तो तुम समझदार हो ना, कहीं खुद ही चले जाते कहीं। कहाँ जाए? अरे कहाँ जाएंगे हम, कहाँ मरे हैं? ओ, ये ओ भाई कैसे बोल रहा है ये तो बदतमीज कहीं का। ओ भाई हेलो, देख रही है भाई तू वो है ना भाई, क्यों कॉल करवा रहा है ना? क्यों कॉल करवा रहा है तू? अपनी माँ बाप को कहाँ छोड़ के आया है? तमीज है भाई, मैं कहीं भी कॉल कर आया हूँ। ओ भाई ज्यादा, ओ सुन सुन सुन, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है इनकी, इसने छोड़ा तो हराम, मैं गाली बकूंगा, मैं हमारे मकान को बिकवा कमीने। अबे ओ तो ये सुन सुन, ये हिमायती मधुबन कॉल के पीछे, ठीक है? देख रही है, सुन रहा है, ये हिमायती मधुबन और चुपचाप से क्या तू कौन बोल रहा भाई, क्या मैं कॉल करवाई तूने? तू यहाँ पे अपने माँ बाप को पंजाब से बुला के तू 8 घंटे से वेट करवा रहा है यहाँ पे, कुछ खाया इन्होंने ना कुछ पिया, और तू बोल रहा है कि मैं नहीं आ रहा? तो बुलाया क्यों था हमारे को? लेना देना नहीं है इनसे। अरे बुलाया क्यों था कमीने? अच्छा तो अपना काम कर, ये तेरे ये तेरे और की मैटर मत बोल भाई, ये तेरे माँ बाप ही है ना? अरे ना मेरे माँ बाप ना, ये तो मना कर रहे, इन्हें कहीं पे छोड़ डाल दे, आना डाल ले डाल लिया। बेटा छोड़ूंगा ना तुझे मैं, ये ध्यान रखे, मैं धोखा दे के लाया था मम्मी के चक्कर में, तूने मकान बेच दिया मेरा, मुझे कॉल मत करो, चलो अभी बताऊंगा तेरे को बेटा, रुक जा तू भाई, अभी तेरे को बताता हूँ मैं, ट्रैक करवा रहा हूँ ये नंबर, रुक जा बेटा मैं ही आऊंगा तेरे पास, देख लिया क्या कह रहा है? कॉल मत कर देना मुझे बेटा, तेरे को तो मैं बताऊंगा, रुक जा भाई, फोन भी काट दिया और बोल रहा है अनाथ आश्रम में छोड़ दो। किस्मत फूट गई बेटा, अबे यार क्या करूं, पैसा वैसा है आप पे कुछ? कुछ नहीं है सर, भैया बेटा आप तो पूछ लिया, या तो हम किसी को जानते भी नहीं है, कहाँ जाएं बता, अगर हमारा पंजाब हो तो हम किसी से बोलते तो दुनिया जानती थी, मेज बना रखी थी हमने बहुत अच्छी, कुछ पैसे हैं मेरे पास ना, तुमने कुछ खाना खाया फिर रहोगे कहाँ? अब बेटा समझ नहीं आ रही कहाँ रहे भाई, एक बेटा हो गया भाई, देख अपने माँ बाप से भाई ये हरकतें कर रहा है भाई, बोल रहा है भाई अनाथ आश्रम में छोड़ दे, एक बेटा भाई देख लिया तो क्या कह दिया, देख ले पैसों के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, तेरे लाड प्यार ने देख ये कर दिया ला, वो तो देखो अंकल वो अब तो घर का भी ना घाट का चूड़ा, बताओ उस कुत्ते ने, बताओ भाई मैं ही खुद हैरान हो गया भाई, मैं करने कुछ और आया था भाई, 30 लाख का मकान था, मैं 20 भी मंदिर किसी को बोलता ना कोई भी दे देता मुझे, ये बेचा पता नहीं किसको था, 10 लाख बोले वो भी ले गया, वो ये 3500 रुपए है, ये मेरी तरफ से होगा। अरे बेटा इतना एहसान मत कर, आपने पूछ लिया, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, मैं नहीं चाहिए बेटा, नहीं 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 सुनो मेरी बात, मैं आपका बेटा पंजाब से इधर आए भाई, अब उसका लड़का बोल रहा है अनाथ आश्रम में छोड़ दो, बेटा ही समान हूँ, ये मेरी तरफ से रख लो, ये रख लो, अरे शर्माओ मत, ये रख लो, लो पकड़ो इसको, एक ऐसा बच्चा भी है, देखिए हमारा बच्चा कमीना, मेरी बात सुनो, वो तो भाई ये बोल रहा है अनाथ आश्रम में छोड़ दो, पंजाब से इधर आए भाई, अब उसका लड़का बोल रहा है अनाथ आश्रम में छोड़ दो, और भाई क्या ही भगवान ऐसी औलाद ना दे किसी को भैया, किसी को ना दे, देखो रोने से तो कुछ होएगा मर जाए साला वो, कोई नहीं एक काम करो, वो तो आएगा नहीं तो आप मेरे साथ ही चल लो। अरे बेटा और कितना नहीं, नहीं, जाए बेटा, आप इतना कर दिए भाई बहुत है, नहीं अब मेरे साथ चलो, चलो आओ, नहीं रो मत रो मत, अब तो मैं घर का नहीं रहा, घाट का, कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं बताओ, दोबारा अगर मैं दोबारा फोन करूँ उसको, अरे वो कुत्ता अभी जब बोल दिया वैसे क्या करेगा मैं, आओ फिर मेरे साथ ही आओ, और क्या करूँ मैं, और क्या आज रात हम रुक के मेरे घर पे टिकट हो जाएगी, हम चले जाएंगे पंजाब, कोई नहीं आपकी टिकट मैं करवा के दूंगा, ठीक है रो मत, आओ आंटी खाना खाया आपने, तो खाओगे आप, ठीक है चलो चलो, कट है कट है।